यहाँ चल रहे हैं खाना खाने। लेट्स सी कहाँ पर बैठे रॉबिन भाई? भाई हम बैठेंगे अंदर जाके एकदम यार डिस्कशन कर रहे हैं अभी खाना खाएं। चलो चलते हैं, मेरे ख्याल से डिसाइड कर चुके हैं मोती महल डीलक्स या फिर सही बात है नज़ाकत। नज़ाकत यार हम तो खाने का सोचते थे पर ये तो कोई एक एम्ब्रॉयडरी शॉप निकली मतलब सूट वूट के स्लीपर्स की। डोमिनोज पिज़्ज़ा आ गया सामने, तो बंद है ये रहा डोमिनोज। लेट्स स्टार्ट यार प्लान में ना स्विच हो गया थोड़ा सा, मोती महल चल रहे हैं। चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मोती महल में आ गया। यहाँ डाइनिंग करते हैं आज, बहुत प्यारा सा रेस्टोरेंट है। अभी मोती महल डीलक्स से खाना खा के बाहर निकले हैं। खाना बहुत भैया खाना है, मतलब सैनिटाइजेशन का तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी रखी नहीं रखी इन्होंने। और मतलब खाना भी मतलब बहुत मेरे को तो अच्छा लगा। मैंने गाजर उठाई सैलेड वाली, उस पर मट्टी लगी। अब लिटरली बताओ खाने में ये चीज़ होगी तो इंसान कैसे खा लेगा। हमने खाना अपना सारा छोड़ दिया और अब हमारे डोमिनोज जा रहे हैं, हम यहाँ पर खाएंगे खाना। यहाँ पर डोमिनोज में खाते हैं कुछ क्योंकि भूख तो मिटानी है यार। डोमिनोज वगैरह और इधर बाहर की तरफ आए यार, ये कोई स्टेडियम लग रहा है मेरे को। जैसे कि आप देख सकते हो पीछे क्रिकेट का स्टेडियम है और मेरा गेम भी है, क्रिकेट भी मेरा फर्स्ट गेम था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर ना रेस चल रही है एक्चुअली, जहाँ से आपको शायद से दिख भी रहा हो रनर्स भाग रहे हैं। और ये ना जम्मू कश्मीर की स्टेट रेस चल रही है जहाँ तक मेरा अनुमान है, और काफ़ी दिलचस्प चल रही है। ये देखिए, देखो आपको दिख रहेंगे एस्पिरेंट्स भगते हुए। ये देखिए ये अपने दो दिल्ली के स्टेट प्लेयर्स। कि मैंने कहा था डोमिनोज में खाना खाने आए हैं और ये रहा हमारा पिज्ज़ा, खाते हैं बहुत भूख लग रही है और आगे बताएंगे कैसा लगा। चलो जी बैठ गए ऑटो विच, तो उसमें आ रहे हैं हम, इसमें जा रहे हैं आपा। अब हम ऑटो से हमें यहाँ से आप खाने के जाओगे भैया? बाढ़ गंगा, बाढ़ गंगा के मेन गेट पर जा रहे हैं हम। और उसमें पहले टिकट कटानी पड़ेगी बस स्टैंड पे, बस स्टैंड पे। तो बस स्टैंड पे वहाँ पे टिकट कटती, फिर यात्रा की यात्रा पर्ची होती है वो, और फिर वहाँ से आगे भैया हमें छोड़ देंगे और फिर वहाँ से चढ़ाई शुरू होगी। ठीक है, बाढ़गंगा से आगे चढ़ाई शुरू हो जाएगी। वहाँ के यहाँ पे चढ़ाई, यहाँ पे टिकट कटेगी और ये टूरिस्ट रिसेप्शन है यहाँ पे कटरा का। अब हमें उधर जाना है, ये हमारे दोस्त रहे। यहाँ से आपको यात्रा पर्ची लेनी है। रास्ता इधर से, रास्ता इधर से, इधर से अंदर हो जाओ, रास्ता इधर से है। और आगे बताते हैं, यहाँ पर पहले भी पर्ची हुआ करती थी और अब फिलहाल कार्ड भी बन जाते हैं क्योंकि लोग जैसे बहुत सारे खो जाते हैं यहाँ पर अपने परिवार के साथ होते हैं तो कभी कभी, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इन्होंने पर्ची यहाँ पर मैंडेटरी कर दी है। तो अभी हम पर्ची कटवा रहे हैं पहले, फिर हमें यहाँ से ऊपर जाना है, फिर आगे का सफ़र तय करते हैं, बताते हैं फिर आपको। तो बहुत लंबी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है यार, बहुत टाइम लगेगा काफ़ी। ये देखो व्यू, देखो ये कितना प्यारा व्यू है माँ का, अपनी वैष्णो देवी माँ का। माता ने मुझको यार यहाँ से टिकट तो ले लिए और इस तरह की टिकट है ये,
कंपलसरी है सबको। और इधर से टिकट लेने के बाद हम जाएंगे बाहर की तरफ, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये इसके कोई चार्जेस नहीं होते। और अब अपने ऑटो में चल रहे हैं। अब यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होएगी। जय माता की। सारे बोलो जय माता की। सारे बोलो, सारे बोलो जय माता की। जोर से बोलो जय माता की। आवाज नहीं आई। जय माता की। आगे वाले जय माता की। पीछे वाले जय माता। फिलहाल दरबार तो यही है एंट्री का। बादल आने शुरू हो गए। अब थोड़ी सी ना धूप निकली हल्की सी। ओ भाई धूप, भाई क्या जहर धूप निकली है। सही बात है। जैसे कि आप देख सकते हो हम कितने चमक रहे हैं, वरना तो अभी तक थोड़ी सी मतलब ऊपर बादल ही बादल तो बारिश ऐसा मौसम थोड़ा बन रहा था। फिलहाल धूप निकली है, थोड़ी अच्छी बात है ये। बहुत अच्छी। हाँ थोड़ी नहीं, वरना बारिश में सनसेट भी देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी दिखाएंगे। यार देख लो आप ये व्यू कितना अच्छा है। चक्री मैन भी व्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने, ये अपने भाई बना रहे हैं। जय माता दी। 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 ताकि आपको पता है थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत होती है ना, क्योंकि चढ़ाई के समय थक भी जाती है, तो थोड़ा मोटिवेट करने के लिए लगानी पड़ती है। यार बहुत थक गया हूँ, मतलब काफ़ी हद तक ऊपर आ चुके, काफ़ी हद तक ऊपर। और जय माता दी। रोबिन भाई कुछ लाभ दो, असि कितनी दूर पहुंच गए। ये जो रास्ता है ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसे बड़े बड़े रास्ते आए। एक बोतल आई। और फिर चढ़ेंगे, फिर चढ़ेंगे। पसीने बहुत आ गए मेरे तो भाई के, तो देख लो। तो की हाल चल चल से कल दोस्तों, मैं हूँ तुम्हारा न्योन मैन। और आज मैं सागर, और हमारा भी एक चैनल है रॉबिन चैनल ब्लॉग्स नाम से, और हमारे अभी रिसेंट भी 16 के हुए हैं। तो हमारे चैनल से पब्लिक आएगी सागर के चैनल पे, सागर भाई को फुल फुल सपोर्ट करना है। और सागर भाई आज हमारे साथ कॉफ़ी पियेंगे, और कॉफ़ी पीने के बाद हम वैष्णो मैया के दर्शन करने जाएंगे, और हमारी स्पीड जो होगी वो कॉफ़ी पीने के बाद बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी के अंदर कैफीन होता है और कैफीन के अंदर एनर्जी होती है। और मेरे तरफ कुछ बोलने का राज भी कॉफ़ी ही है, अगर मैं आज कॉफ़ी नहीं पीता तो मैं इतना सब कुछ बोल नहीं पाता। जो बात बोली सारी सच बोली, थोड़ी बात झूठ। और सागर भाई को सब्सक्राइब जरूर करना अगर वीडियो देख रहे हो तो, भाई बिल्कुल दिल से बढ़िया आदमी है। ये देखो यार ये वैष्णो देवी प्यारा व्यू है, और यहाँ से इंडिया का झंडा बन रहा है एक तरीके से देखा जाए। ये वैष्णो देवी की चढ़ाई से ऊपर से हम नीचे दिखा रहे हैं। झंडा नहीं सॉरी मैप गाइस। यार तो गाय सुबह जैसे पता ये सुबह से चल रहे हैं और रात हो चुकी है, अभी पहुंचे नहीं है बट पहुंचने वाले हैं। चढ़ते थोड़ा सा और फिर देखते आगे, आप अपडेट करेंगे। गाइस ये चेक पॉइंट है, इसको वन मोर चेक पॉइंट गाइस, इसको पार करके 2 किलोमीटर का रास्ता और है फिर पहुंच ही जाएंगे लगभग 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 पहुँच गए हैं। आरती चल रही है अब। भाई बैग क्यों खींच रहे हो? माता की आरती गाओ। पहुंच गए बस लगभग, एकदम खड़ी चढ़ाई है। गौरी माता तेरी सदा ही जय। यार अभी तक कैसा रहा है, मतलब जितनी अभी हमने चढ़ाई चढ़ी है कैसा रहा है अपना 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 थोड़ा ऊपर 2.5 किलोमीटर बचा है बस, माता का नाम लेके हम वो भी चढ़ जाएंगे बस लास्ट 2.5 किलोमीटर। और अभी सब
जान है भाई, पूरी जान दे रखी है माता ने। बिल्कुल है, बिल्कुल। खिलाड़ी ऐसे ही होते हैं क्या? वो तो है। देखो नंगे पैर, पैर दिखा, पैर सूज जाएंगे लेकिन ऊपर जाएंगे भाई, बिना रुके और कहीं बिना बैठे। अभी हम वेट कर रहे हैं अपने साथियों का, जो थोड़े पीछे छोड़ रखे, छूट रखे है, धीरे धीरे चल रहे थे इसलिए। तो आगे चल के बताता मंदिर के पास ही। यार वीरो अभी वहाँ पहुँचने हमको, और अभी हम वहाँ से पूरा इधर यहाँ पर यहाँ से जाएंगे, और उसके बाद हमारी मेन डेस्टिनी वहाँ होगी। यार आखिरी 1 किलोमीटर रह गया, और अपना भवन माता का पहुँच गया लगभग। फाइनली पहुँच चुके हैं, लगभग 1 किलोमीटर रह रहा बस, पहुँच ही गए। और यहाँ के 2 किलोमीटर ना, यहाँ के 20 किलोमीटर लग रहे हैं। ऐसे थोड़ी दर्शन मिल जाते हैं। ये बात भी है। तो अब हम पहुंचने वाले हैं। तो भाई एक ना यूट्यूबर की भी ऐसी ही लाइफ होती है, जैसे अभी हम चढ़ाई कर रहे हैं ना वैष्णो देवी की यात्रा पे, कि लगता है कि अब आएंगे, लेकिन जब देखते चले जाते हैं और वो और ऊपर चलता रहता है, तो फिर कई बार ऐसा होता है कि नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं हो पाएगा। हाँ कुछ वो कर लेते हैं, घुमला कर लेते हैं, मतलब जैसे उसके अंदर पैसे दे के तुम वो करते हो एड्स वगैरह यूट्यूब में, राइट, ऐसे शॉर्टकट टाइप लेना, लेकिन ये कोई भक्ति का वो नहीं है ना, और यूट्यूब करने वाली बात नहीं होती है। सही में ऐसे वो नहीं आएंगे, फिर अच्छे व्यूज नहीं आएंगे, अच्छे सब्सक्राइबर्स गेन नहीं होंगे, जो तुम्हारे से सच में प्यार करते हो। और यदि ये भाई की बात आपको अच्छी लगे हो, सही लगी हो किसी भी तरीके से, लाइक दे कमेंट करके जरूर दसना, और ये कमेंट सेक्शन में बताना अच्छी लगी तो भाई की बात। और आपको एक सरप्राइज दिखाता हूँ, अब ये देखो फाइनली पहुँच गए माता के पास। और ये माता लगभग 100 मीटर है, 200 मीटर चलना है बस। यहाँ पे बहुत खुशी हो रही है, अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गए फाइनली, बहुत हिम्मत जुटाई थी। ये यार सागर रत्न जा रहे हैं कुछ खाना खाने, फिर दर्शन करने जाएंगे नहाकर। तो गाइस अभी हम फाइनली पहुँचे हैं सागर रत्ना के रेस्टोरेंट में, तो अभी कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया है। पर मैं एक चीज़ अभी बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना मतलब टोटली इतना थक चुका हूँ मैं, बट स्टिल हिम्मत करी है, आए हैं इधर तक, दर्शन करके बढ़िया ही जाएंगे। पर मेहनत बहुत है, जैसे बचपन में लगता था मैं फटाफट से भाग के पहुँच जाएंगे चले जाएंगे उस तरीके से, पर अब नहीं होता, अब थोड़े बड़े भी हो चुके हैं, थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा लगती है। और यहाँ पर अब मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है, यहाँ पर आर्मी वाले बहुत टाइट सिक्योरिटी है, ड्यू टू पता ही होगा आपको 15 अगस्त था, तो उसके पर्पज से। और यहाँ पर गाइडेंस बहुत अच्छी करते हैं वो, इफ़ इन केस आप कहीं मतलब कहीं हो गए हो तो आपको हेल्प भी कर देंगे, असिस्ट कर देंगे वो, और आपको एस्कॉर्ट भी कर देंगे मतलब, और आपको हर जगह प्रॉपरली बताएंगे जिस तरह के हिसाब आपको जाना है, बहुत कोऑपरेटिव है। और यहाँ पे बहुत सारे धर्मशाला भी है, और खाना का वेट कर रहे हैं, थक तो बहुत चुका हूँ, वीडियो बहुत जल्दी हो रही है।